नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सोशल टेक उमेश पे आप सभी लोगों का आज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो फोटोग्राफी में जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊँगा कि आपके DSLR के कैमरे में जो है कौन कौन से मोड होते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ निकॉन का DSLR और मेरे पास है निकॉन का D5300। आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि निकॉन के D5300 में कौन कौन से फोटोग्राफी के मोड में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। दोस्तों, निकॉन की 3000 सीरीज़ है, 5000 सीरीज़ है और 7000 जो सीरीज़ है उसमें फंक्शन सभी में लगभग सेम होते हैं, तो एक ही जैसे फंक्शन मिलते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस कैमरे पे इसके मोड आपको समझा देता हूँ और शॉर्टकट में समझाऊँगा इसके मोड डिफरेंस क्या क्या होता है, बस यही बताऊँगा इस वीडियो में। और डिटेल में जो है पर्टिकुलर मोड का एक अलग वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आपको लास्ट के इस वीडियो में जो एंड स्क्रीन आएगा वहाँ पर आपको जो है सारे मोड के वीडियो आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप ये वीडियो खोल सकते हैं। और आप मेरा चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जितने भी वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं वो सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इसका एम मोड, ये हमारा इसको कहते हैं दोस्तों डायल, इसको कहते हैं इसका मोड डायल। और इस मोड डायल को जो है यहाँ पर आप किसके आपको चारों मोड दिखाई पड़ेंगे। पहला मोड यहाँ पर एम लिखा हुआ है, एम का मतलब होता है दोस्तों मैनुअल मोड। दूसरा यहाँ पे है ए, इसका मतलब होता है एपरेचर मोड। तीसरा है एस, इसका मतलब होता है शटर स्पीड मोड, शटर प्रायोरिटी मोड। और चौथा है यहाँ पे पी, प्रोग्रामिंग मोड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ एम मोड। यहाँ पे देखें दोस्तों, वाइट कलर का एक मार्क है, इसके सामने जब आप एम को लेके आते हो तो हमारा कैमरा जो है एम मोड में आ जाता है, मैनुअल मोड में। मैनुअल मोड में दोस्तों क्या होता है कि तीन चीज़ें हमारे कैमरे में मैटर करती हैं मेन। पहला होता है शटर स्पीड, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये है शटर स्पीड, इसको शटर स्पीड कहते हैं। दूसरा दोस्तों ये है हमारा अपर्चर, इसको अपर्चर कहते हैं। और तीसरा मेन मैटर करता है होता है लाइट की सेंसिटिविटी अर्थात ISO, इसको ISO बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है मैनुअल मोड में जो आप शटर स्पीड भी इसकी खुद कंट्रोल कर सकते हैं। निकॉन D5300 में दोस्तों जो मैं लेंस यूज़ करता हूँ वो है 18-55 mm का बेसिक किट लेंस आता है। और इस लेंस के साथ जो है इस कैमरे में मैक्सिमम शटर स्पीड हमको मिलती है 1/4000 सेकंड की, मतलब एक सेकंड के 4000 हिस्से में जो है ये कैमरा जो है फोटोग्राफी कर सकता है, इतनी हाई स्पीड से ये फोटोग्राफी कर सकता है। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, चेंज करके आप देखेंगे ये 4000 जो है यहाँ तक जा सकता है। और मिनिमम इसकी शटर स्पीड जो आती है वो इसकी मैं आपको करके दिखा देता हूँ 30 सेकंड की होती है दोस्तों। ये मैं आपको यहाँ पे इसमें करके दिखा दे रहा हूँ चेंज करके, और यहाँ पे आप देखेंगे वो 30 सेकंड तक जो है ये देखिए ये बल्ब आ जाता है लास्ट में टाइम, ये है दोस्तों 30 सेकंड जो है ये इसकी मैक्स मिनिमम शटर स्पीड होती है। मतलब जो है अगर एक बार इस शटर स्पीड पर अगर आप फोटो क्लिक कर देंगे एक बार तो 30 सेकंड तक इस लेंस कैमरे के सामने से जो भी ऑब्जेक्ट गुजरेगा, जो भी चीज़ गुजरेगी इस 30 सेकंड के अंदर उसको ये कैप्चर कर लेगा। और अगर आप इसकी मैक्स शटर स्पीड पे रखते हैं 1/4000 सेकंड पे तो एक सेकंड के 4000वें हिस्से में जो है कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर लेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों, दूसरी चीज़ इसमें आती है एपरेचर की। तो दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें आती है एपरेचर की, एपरेचर हमारा यहाँ पर बीच में आता है एफ़, ये जो एफ़ लिखा हुआ आप देख रहे हैं इसको एपरेचर कहते हैं। और एपरेचर इसका जो आप इससे में देख रहे हैं 4 पे है, तो ये एफ़ नंबर अगर 4 है तो इसका मतलब है इसका एपरेचर ज़्यादा है, बड़ा खुला हुआ इसका एपरेचर है, ज़्यादा लाइट इसके अंदर आ रही है। और अगर इस एफ़ नंबर को हम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ, ये एफ़ नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है आप देखेंगे कि इसका एपरेचर ये छोटा होता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा इसका हम एफ़ नंबर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसका एपरेचर छोटा होता जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका एपरेचर कितना छोटा हो गया है, 22 पे जो है एपरेचर सबसे कम है और सबसे ज़्यादा एपरेचर था वो इसका था F4 नंबर पे। तो अगर एफ़ नंबर आपका कम है तो आप समझिए आपका एपरेचर सबसे ज़्यादा है, और अगर आपका एफ़ नंबर ज़्यादा है तो समझिए एपरेचर बहुत कम है, अर्थात कम लाइट अंदर आ रही है। और एफ़ नंबर ज़्यादा है तो समझिए कम लाइट अंदर आ रही है, और एफ़ नंबर कम है तो समझिए ज़्यादा लाइट अंदर आ रही है। तीसरी चीज़ दोस्तों फोटोग्राफी में मेन होती है लाइट, लाइट सेंसिटिविटी। यहाँ पे ISO से हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे जो आप ये आई बटन दबाएंगे, आई बटन दबाते ही ये दोस्तों ये मेरा आई बटन है, इस आई बटन को जैसे ही आप दबाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इस टाइप का ये स्क्रीन खुल जाता है। और यहाँ पे को आप जो है
ये ISO है, इसको मैं ओके करता हूँ। इसका मिनिमम ISO दोस्तों आप देख सकते हैं ये 100 है, ये 100 ISO। अगर आपकी लाइट अच्छी खासी है, डे लाइट में आप शूटिंग कर रहे हैं, बाहर शूटिंग कर रहे हैं, तो 100 आज का ISO सफिशियंट रहता है। और अगर आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो इसका ISO जो है आप 12,800 तक भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद इसके ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन इसमें और दिए जाते हैं जो और भी कम लाइट में आपको यूजफुल रहते हैं। तो ये था दोस्तों एम मोड। इसके बाद चलिए दोस्तों आ जाते हैं अभी इसके एपरेचर मोड पे, अर्थात ए मोड पे। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारा कैमरा जो आ गया है एपरेचर प्रायोरिटी मोड में आ गया है। इसको अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, इसकी डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया है ए, पहले एम था। यहाँ पे जब एम पे रहता है, एम आता है, जब ए पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये एपरेचर प्रायोरिटी मोड में कैमरा आ जाता है। दोस्तों एपरेचर प्रायोरिटी मोड में आपको क्या होता है कि एपरेचर प्रायोरिटी मोड में जो है आप कैमरे का एपरेचर खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक, अपने जैसे आपका सराउंडिंग्स है, फोटोग्राफी की सिचुएशन है, उस हिसाब से आप एपरेचर खुद सेट कर सकते हैं। और शटर स्पीड को कैमरा जो है एपरेचर के हिसाब से खुद सेट कर लेता है। लेंस में लगी हुई ब्लेड जो है जितना बड़ा एफ नंबर होता है उतना छोटा एपरेचर खुलता है, और जितना छोटा एफ नंबर होता है उतना ही बड़ा एपरेचर होता है। एपरेचर जो है लाइट को कंट्रोल करता है, डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है, और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल भी करता है। इसको डिटेल में जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जब मैं एपरेचर मोड का फुल ट्यूटोरियल एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में हमें आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। दोस्तों एपरेचर मोड का यूज़ जो हम लोग पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में करते हैं, लो लाइट फोटोग्राफी इमेज में करते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए करते हैं, और इसका जो है बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए भी एपरेचर मोड का यूज़ हम करते हैं। तो एपरेचर मोड एक इस कैमरे का काफ़ी बड़ा ही अच्छा मोड होता है, और इसकी सहायता से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। इसका डिटेल मैं जो है आपको इसके जो सेपरेट वीडियो में इसके लिए बनाऊंगा उसमें आपका डिटेल आपको पूरी तरीके से दे दूंगा। तो दोस्तों अब के आते हैं हम इसके शटर प्रायोरिटी मोड पे। यहाँ पे हम जैसे इसका मोड डेल एस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कैमरा जो हमारा शटर प्रायोरिटी मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों जब हम एस मोड में फोटोग्राफी करते हैं और एपरेचर को तो कैमरा खुद ही कंट्रोल कर रहा है, हम लोगों को सिर्फ शटर स्पीड जो है एडजस्ट करनी होती है। तो शटर स्पीड के हिसाब से जब कैमरा जो है एपरेचर को एडजस्ट करता है तो उसके हिसाब से लाइट भी कैमरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। दोस्तों ये इस मोड का यूज़ जो है वो हम लोग स्पोर्ट फोटोग्राफी के लिए कर सकते हैं, वर्ल्ड फोटोग्राफी के लिए कर सकते हैं, एनिमल फोटोग्राफी के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, और दोस्तों लॉन्ग एक्सपोजर अगर हम फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें भी इसका यूज़ हम जो है कर सकते हैं। और दोस्तों अगर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कार रनिंग हो रही है या बाइक दौड़ रही है, तो उसका फोटोग्राफी करना है, उसके लिए हम लोग शटर स्पीड मोड का यूज़ करते हैं, या झरना बह रहा है तो उसके लिए भी हम लोग शटर स्पीड मोड का यूज़ करते हैं। दोस्तों अगला मोड इसका आता है प्रोग्रामिंग मोड, अर्थात पी मोड। तो पी मोड के बारे में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, पी मोड में जो है शटर स्पीड, एपरेचर और ISO, ये तीनों चीज़ें जो है आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। वाइट बैलेंस है, मीटरिंग है, इमेज क्वालिटी है, ये भी आप इसमें खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों पी मोड में और एम मोड में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हमें खुद ही सेलेक्ट करनी होती हैं। इसके आगे दोस्तों आता है, आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं इसे कहते हैं ऑटो मोड। ऑटो मोड में जब हम कैमरे को सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों इसमें हमको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं होता है, ऑटो मोड में सब कुछ कैमरा अपने आप ही सेट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। यानी कि ऑटो मोड में जो है कैमरा आपका शटर स्पीड भी सेलेक्ट करेगा, एपरेचर भी सेलेक्ट करेगा, और लाइट सेंसिटिविटी ISO को भी खुद ही सेट करेगा। आपको इसमें जो है सिर्फ फोकस एडजस्ट करना है, वो भी अगर मैनुअल मोड में फोकस पड़ा है, तब अगर ऑटो मोड में है तो वो भी खुद ही कैमरा कर लेगा। और आपकी इमेज क्वालिटी आप अपने हिसाब से इसकी सेट कर सकते हैं, आपको हाई इमेज क्वालिटी रखनी है, लो रखनी है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये मिलता है ऑटो मोड में फोटोग्राफी अगर हम करते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो लोग DSLR के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानते हैं वो ऑटो मोड में ही फोटोग्राफी करते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग डे लाइट में शूटिंग करते हैं, लाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, धूप का टाइम होता है, और हम लोग ऑटो मोड में फोटोग्राफी करते हैं। उस समय फोटोग्राफी करते टाइम पे अगर लेंस के सामने या कैमरे के सामने कोई भी काली चीज़ आ जाती है या डार्क चीज़ आ जाती है तो कैमरा उसको अंधेरा समझ के ही सेंस करता हो। जैसे ही हम इसमें इसका सेट बटन ऑन करते हैं फोटोग्राफी के लिए, तो इसका आप देखेंगे सेट
ये फोकस इसका अपने आप ऑटो ऑन हो जाता है, फ्लैश मार देता है फटाक से। तो फ्लैश से क्या होता है, फ़ोटो आपका एकदम बहुत ज़्यादा लाइटी हो जाता है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं दिखता है। दोस्तों इसके लिए जो है आप इस फोकस को यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, इसके लिए आप जो है आप क्या कर सकते हैं, इसके ऑटो मोड जो ग्रीन लिखा हुआ है इसके नीचे ही जस्ट आपका एक फ्लैश का ऑप्शन दिया हुआ है, बट मोड है, आप इसको यहाँ पे लीजिएगा। और उसके बाद आपको ये भी ऑटो मोड का ही एक दूसरा ऑप्शन है, ये भी ऑटो मोड ही है, इसको आप यूज़ कीजिएगा डे लाइट फोटोग्राफी में। अगर आप दिन में फोटोग्राफी कर रहे हैं धूप ज़्यादा है तो आप ये ग्रीन वाले ऑटो मोड का यूज ना करके इस मोड का यूज़ करें, तो इसमें जो आपका फ्लैश अपने आप ऑन नहीं होगा। आप देखेंगे मैं आपका फ़ोटो क्लिक करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये फ़ोटो क्लिक कर लिया कैमरे ने लेकिन इसका फ्लैश अपने आप ऑन नहीं हुआ है। दोस्तों ये था मेरा, मैंने आपको बताया कि कैमरे में क्या क्या मोड है, कौन कौन से मोड में क्या क्या डिफरेंस है। दोस्तों इनमें पर्टिकुलर हर एक मोड का वीडियो मैं आपको अपने चैनल पर अपलोड करके दे दूँगा, आपको इन स्क्रीन में जो है वो वीडियोज़ अभी देखने को मिल जाएंगे। और आप मेरा वीडियो जो है लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने के वाले वीडियो भी आप तक जरूर पहुंचते रहें। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।